हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैश्ड पोटैटो टोस्ट बनाना सिखा रही हूँ, जो बहुत मज़े के बने थे। बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं। आप सब लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको बनाने के लिए मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया और इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू को अच्छे तरीके से मैश करने के बाद हमने इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड करने हैं। इसके अंदर बहुत थोड़े से स्पाइसेस जाते हैं। इधर मैंने नमक डाल दिया है, थोड़ा सा हसबे जायका काले मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स, चिकन पाउडर थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा फ्लेवर के लिए, थोड़ा सा ओरिगैनो जाएगा। हर चीज़ आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालनी है, क्वान्टिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा इधर मैंने चिकन पाउडर डाल दिया है। मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें चॉप करके रखी हैं, वो इसके अंदर थोड़ी सी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमने एक सेपरेट बोल लेना है, उसके अंदर हमने एक अंडा डाल देना है। इसी के साथ साथ हमने इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून दूध के डाल देने हैं। अब इसके अंदर हमने फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च और नमक डाल के इसको अच्छे से बीट कर लेना है। ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे, इसके किनारे इस तरह से काट देंगे। अब जो हमने आलूओं का मिक्सचर बनाया है वो इसके ऊपर इवनली स्प्रेड कर देंगे। दूसरा भी मैं जल्दी से बना लूँगी। इसके किनारे मैंने इधर कटनी की है। आप लोग चाहें तो आप लोग पहले कट कर सकते हैं या इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले ऊपर आलू का मिक्सचर इवनली लगा के इसको कवर करके बाद में भी आप किनारे काट सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से बंद कर देंगे हर साइड से कि ये पकते हुए खुले नहीं। एक मैंने पैन लिया है, इसके अंदर हल्का सा ऑयल लगा के, या आप लोग बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको इवनली पूरे पैन पे स्प्रेड कर दिया है। अब हमने क्या करना है कि जो हमने एग का मिक्सचर बनाया है उसके अंदर अपना ब्रेड का जो बनाया है इसको डिप करके चारों साइड से अच्छे तरीके से हमने पैन को भी, तब तक गर्म हो जाएगा, फिर इसको पैन में डाल देना है और इसको टोस्ट कर लेना है जैसे हम फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं, तो उस तरह से टोस्ट करते हैं। दो से तीन मिनट के बाद इसको फ्लिप करेंगे, ऊपर से हल्का सा इसको गोल्डन सा कलर आने देंगे।
इस तरह से भी सारी साइड से हम इसको कुक कर लेंगे। हमारे फ्रेंच टोस्ट मज़ेदार से फ्लफ़ी से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये बहुत सिंपल और बहुत मज़ेदार बने थे। आप सब लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।